हेलो दोस्तों, आप सब मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है इस वीडियो को, इसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। देखो कितनी सुंदर ये कलियां आई हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू डिजाइन, तो उससे भी पहले बोलेंगे राधे कृष्णा, क्योंकि हम कोई भी काम करें और उसमें अपने ठाकुर का नाम लें, यानी राधे कृष्णा जो भी आप कहती हैं वो कहें, तो आपका हर एक काम बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाता है। तो उससे भी पहले हम क्या करेंगे, अब देखिए शुरुआत करते हैं डोरमेट बनाना। तो मेरे पास ये तीन गोले हैं और मैंने इसे एक एक इंची का कट कर लिया है सभी में से। अगर आपके पास दुपट्टे हैं तो आप दुपट्टों को भी इसी तरीके से कट कर सकते हैं, साड़ी है तो साड़ी में से भी कट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप ऊन से भी इस डोरमेट को बना सकते हैं। देखिए ये वाली जो डिजाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ और मैं आपको सिखाने के लिए, देखिए अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने नॉट लगाई और इसमें इस तरीके से धागे डालेंगे, यानी फंदे धागे से डालेंगे इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मैं आपको 16 फंदों का बताने जा रही हूँ। अगर आप 18, 20, 25, 30 फंदों का बनाना चाहती हैं तो भी इसी तरीके से बनेगा, बट मैंने ये आपको 16 फंदों का बता रही हूँ। अगर आप इससे भी छोटा बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा, मैं आपको 16 फंदे से बना के दिखा रही हूँ। पहली रो लगाएंगे, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से आसान तरीके से ही बनाना है, कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पहली रो में ना कोई फंदे घटाएंगे ना बढ़ाएंगे, बस ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी वीडियो देखें और सीखें घर पे ही डोरमेट बनाना। आप मेरे पास कमेंट करते हैं कि मैम ये वाली डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैंने अपने घर पे डोरमेट बना लिया है इस वाली डिजाइन का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने मुझे मेरा अब तक साथ दिया है और प्लीज़ आगे भी देते रहना। देखिए एक रो लगाई, इसमें कोई फंदा घटाया नहीं, कोई फंदा बढ़ाया नहीं। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना इस तरीके से। एक फंदा लिया, धागे को पीछे की तरफ करेंगे यानी सीधी तरफ, और इस तरीके से देखो सिलाई को अंदर डालते हुए ऐसे दूसरा फंदा लेंगे। ये मैंने दो फंदे ले लिए, यहीं से हम अपने धागे को सीधी तरफ यानी उल्टी तरफ कर लेंगे सीधी तरफ से। अब यहाँ से देखो बनाना शुरू करेंगे, ये भी देखिए जो मैंने फंदा बढ़ाया था उसे भी मैंने बना लिया। अब एक बार मैं फिर से आपको फंदा बढ़ाकर बताऊंगी, देखिए पहले जैसे बुनते हैं वैसे लेंगे, अब सीधी तरफ फंदे को करेंगे और यहीं से इस तरीके से एक और फंदा बना लेंगे। देखिए अब धागे को निकालेंगे इस तरीके से, फंदे को आगे की तरफ करके फिर से बनाना शुरू करेंगे इसी तरीके से। देखो ये मैंने दो फंदे बढ़ा दिए हैं, 7 फंदे हमें बढ़ाने हैं तो 2 बढ़ गए हैं, अभी 5 फंदे बढ़ाना बाकी है। इसी तरीके से बढ़ाएंगे बस, और इसमें कुछ भी नहीं करना। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ इस तरीके से फंदे बढ़ाए हैं। देखो शुरुआत में ये ऐसे लेंगे और पीछे करेंगे
और फिर से एक फंदा और लेंगे। एक फंदे में से हम दो फंदे कर देते हैं, फिर धागे को उल्टी तरफ लेंगे और फिर से बनाना शुरू कर देंगे। इधर की साइड में हमें कुछ भी नहीं करना, देखिए। दो दो करके बस फंदे छोड़ने हैं। देखिए ये दो दो करके एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी मैंने सात फंदे बढ़ा दिए, 14 फंदे दो दो करके छोड़ दिए। अब यहां से बाकी फंदों को बना लेंगे। देखिए मैंने ये सभी फंदे बना लिए। अब क्या करेंगे, सात फंदे छोड़ने के बाद हम सभी फंदों को बनाएंगे, एक यानी सभी पूरी रो को बनाएंगे हम। यहाँ से जो हमने फंदे दो दो करके छोड़े हैं उन्हें भी बनाएंगे। देखिए यानी एक रो हम इधर की साइड से लगाएंगे, एक रो सीधी की तरफ से लगाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए मैंने ये सभी फंदे बना लिए इधर की साइड से। देखिए अब क्या करेंगे, एक रो हम इधर की साइड से लगाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ अब क्या करेंगे। देखिए मैंने सात फंदे बढ़ा लिए, दो रो मैंने इसमें लगा ली। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, एक दो फंदे लेंगे और बना देंगे और फिर से सभी फंदों को बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फंदा कम कर दिया। जैसे हमने एक एक करके बढ़ाए हैं वैसे ही एक एक करके बना यानी कम कर देंगे। और पीछे की तरफ से क्या करेंगे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पीछे की तरफ से जैसे हमने बढ़ाते समय दो दो करके फंदे छोड़े थे वैसे ही गठाते समय भी दो दो करके फंदे छोड़ते जाएंगे। यहीं से धागे को अपनी तरफ लेंगे और फिर से बनाना शुरू कर देंगे। देखिए बनने के बाद में इसमें छह कली बनती हैं और छह कलियों में बस ये पूरा डोरमेट हो जाता है। बहुत सुंदर लगता है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़े डोरमेट में 12 कली आएंगी और छोटे वाले डोरमेट में 6 कली आएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक कलर की देखो कली कितनी सुंदर लगती है पूरी। तो इसी तरीके से हमें बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। इधर की साइड में से अब फिर से दो फंदे लेंगे, एक और दो एक साथ बना देंगे दोनों फंदों को, और फिर से इधर की साइड में जा करके दो दो करके छोड़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको गठाकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से डबल फंदा लेंगे और बना देंगे। अब देखिए एक फंदा और बनाएंगे। यहाँ से देखो मेरे सभी फंदे दो दो करके छूट गए हैं, आपको दिख रहे होंगे। धागे को अपनी तरफ मोड़कर एक बार फिर से बना देंगे। अब हम अपने इस तरीके से बनाकर यहाँ से एक बनाते जाएंगे। एक कली हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। तो ये हमने दो दो करके छोड़ी है, इन सभी फंदों को बनाएंगे। सीधी तरफ से बना लेंगे इधर की साइड से। देखिए अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो कोई सा आपके पास कलर हो तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां से करेंगे इस तरीके से, ऐसे कलर चेंज करते जाएंगे। देखिए और अपना एक कली पूरी हो गई डोरमैट की और दूसरी कली बनना स्टार्ट हो गई। ये मैंने कलर चेंज कर लिया, आपको दिख रहा होगा। तो अब थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए एक दो तीन, ये मैंने तीन कली बना ली हैं, आपको दिख रही होंगी। तो इस डोरमैट में छह कलियाँ बनती हैं। आधा डोरमैट मेरा हो गया है, आधा बाकी है। तो मैं अब नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको छोटी सी वीडियो में पूरे डोरमैट की डिजाइन मैंने बनाकर दिखाई आपको। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको
मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।